वेलकम अगेन फॉर क्लास इन ऑनलाइन लेक्चर. सब्जेक्ट इज़ मैथ. अस्सलाम वालेकुम. होप यू ऑल आर इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान. स्टार्ट अवर लेक्चर विद दुआ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी शरह ली सदरी व यसर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदनी इल्मा. आमीन. टुडे आवर लेक्चर इज़ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: LCM, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ लाइन सेगमेंट. ठीक है. LCM. LCM स्टैंड फॉर, L स्टैंड फॉर लोएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल. लोएस्ट मीन छोटा, कॉमन जो सब में प्रेजेंट हो, वो नंबर जो सब में प्रेजेंट हो. जितने भी नंबर आपको बोले जाएंगे कि इनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करें, तो आप लोग चेक करेंगे कि सब में कॉमन कौन सा है. कॉमन मीन जो सब में प्रेजेंट हो, तो वो होता है कॉमन डिजिट. ओके. मल्टीपल किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है मल्टीपल. जैसे हमारे पास डिजिट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यू रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते. तो किसी भी डिजिट को, जैसे हम लोग लेट्स सपोज ले लेते हैं 3. हम लोग एक नंबर ले लिया जो है 3, उसको हम लोग नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उस, ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. ओके. अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3 और 6. आप लोगों को 2 नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है कि फाइंड आउट द LCM ऑफ दीज नंबर्स. आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल कौन से हैं, तो आप लोग उसका टेबल लिखेंगे. कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया ना सब के साथ नेचुरल नंबर के साथ, इस नंबर को जो नंबर गिवन होगा आप लोग उसका मल्टीपल कैसे निकालेंगे. आपको मैंने बता दिया है कि उस डिजिट को आप लोग नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास उस नंबर के मल्टीपल आ जाएंगे. तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है, 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. तो अब आपने 5 टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स इस डिजिट को मल्टीप्लाई कराना है नेचुरल नंबर के साथ. तो अब आपने 5 टाइम्स लिख दिया, तो अब आप लोग 3 डॉट्स लगा देंगे. इट्स मीन दिस इज़ कॉन्टिन्यू फॉर्म. हमेशा मल्टीपल इस नंबर से आपके बड़े होंगे. जो नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर से हमेशा मल्टीपल क्या आएंगे, उससे बड़े आएंगे. अब नेक्स्ट डिजिट है आपके पास 6, तो आप लोगों ने लिखना है मल्टीपल ऑफ 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. 5 टाइम्स इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया है 6 डिजिट को नेचुरल नंबर के साथ. तो अब आपने इसके बाद 3 डॉट्स लगा देने हैं. 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, कि आप लोग इसको जहाँ तक लेके जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं. अब हम लोगों ने चेक कर लिया है, मतलब मल्टीपल इनके निकाल लिए हैं, 5 5 मल्टीपल दोनों डिजिट्स के निकाले हैं. अब आपने चेक करना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है. सबसे पहले देखें 3 है, 3 नीचे 6 के पास नहीं है, लेकिन 6 3 के पास है. तो आप लोग इसको सर्कल करें. सर्कल करने के बाद अब आगे चेक करें कि कोई और मल्टीपल है इनके पास. यस, 12 दोनों के पास है. अब और कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो इन दोनों के पास कॉमन आए. तो अब आप लोगों ने LCM फाइंड करना है ना. LCM स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट मीन छोटा. तो अब 12 बड़ा छोटा है या 6? 6. 6 इज़ द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. सो आप लोग क्या लिख देंगे, 6. दिस इज़ द LCM ऑफ 3 and 6. 3 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6. दिस इज़ योर आंसर. डिजिट्स का मल्टीपल निकाला है. बाकी सारे क्वेश्चंस जो भी आपको गिवन होंगे, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही सेम मेथड यूज़ करके उनका LCM फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं. आपके कोर्स में 3 टाइप्स पढ़ाएंगी है. एक प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज़ मिक्स फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. और मिक्स फ्रैक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ होल एंड परफेक्शन.
मिक्स फ्रैक्शन जो होती है वो किसका कम्बिनेशन होता है, एक तो उसका नंबर होल में लिखा हुआ होता है, जैसे आपको मिड में नज़र आ रहा है 2, 3 by 5, एक होल में डिजिट लिखा होता है, और जो नेक्स्ट इसका होता है जो फ्रैक्शन बनी हुई होती है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन। सो मिक्स फ्रैक्शन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। आपके पास दो फ्रैक्शन दी जाएंगी, दोनों लाइक फ्रैक्शन होंगी। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर उनके सेम होते हैं। तो इस तरह आपके पास दो फ्रैक्शन गिवन हैं, आप लोगों के डिनोमिनेटर क्या हैं, दोनों के सेम हैं। आप लोगों ने इसको वन टाइम नीचे लिखना है और ऊपर जो फ्रैक्शन के जो न्यूमिनेटर होंगे आप लोगों ने उन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि मिड में आपका कौन सा साइन है एडिशन का, आप लोगों ने उसको कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है एडिशन का, आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर में है 6 plus 8 = 14, तो आंसर आपका आ जाएगा 14/5। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास अगेन दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, आप लोगों की सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो आप लोग न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और डिनोमिनेटर जो होंगे वो उसको वन टाइम लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम हैं। और दूसरी बात ये कि इन क्वेश्चंस में जस्ट न्यूमरेटर को ऐड करना होता है, ये नहीं आप लोग डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर दें, नो, आप लोगों ने इनमें सिर्फ डिनोमिनेटर को वन टाइम नीचे लिखना होता है, जस्ट न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने जस्ट उनमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा, डिनोमिनेटर को नहीं। सो